राजधानी देहरादून में एक विशेष समुदाय के युवक ने युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग करने का मामला सामने आया है। इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून के बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट में युवती खाना लेने के लिए गई थी और इसी बीच रेस्टोरेंट में मौजूद युवक ने युवती से खाना पैक कराने के लिए कहा तो उसने युवती को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया, जिसका महिला ने विरोध भी किया। बता दें, युवती ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद वहां से युवक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्टोरेंट पर मौजूद दो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है और मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। अब देखो, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसने उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया और क्योंकि प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल से मुकदमा दर्ज कर लिया गया।